नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में आपका स्वागत है। सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही सोमवार का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी प्रकार के सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अंततः साधक श्रद्धा भाव से देवों के देव महादेव की पूजा उपासना करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सोमवार का दिन क्यों भगवान शिव को समर्पित होता है? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इनमें एक रत्न चंद्रमा थे। चिरकाल में राजा दक्ष ने अपनी मुंह बोली बेटियों की शादी चंद्रदेव से कर दी थी। उस समय चंद्रदेव का व्यवहार सभी के साथ बेहद सौम्य, शांत और सुशील था। वक्त के साथ चंद्रदेव के व्यवहार में बदलाव आ गया। चंद्रदेव को रोहिणी को छोड़ सभी से विरक्ति होने लगी। यह जान चंद्रदेव के अन्य धर्म पत्नियों को बेहद दुख हुआ इस बात की। उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की। उस समय चंद्रदेव को राजा दक्ष ने सभी के साथ प्यार और स्नेह के साथ रहने की सलाह दी। हालांकि आगे चलकर चंद्रदेव के व्यवहार में पुनः बदलाव आ गया। यह सुन राजा दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि उनका आकार और चमक क्षीण हो जाएंगे। राजा दक्ष के शाप से चंद्रदेव का आकार घटने लगा, साथ ही चंद्रमा की रोशनी भी कम होने लगी। यह देख चंद्र व्याकुल हो उठे। उस समय चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी आपबीती ब्रह्मा जी से सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना की सलाह दी। कालांतर में चंद्रदेव ने देवों के देव महादेव की पूजा उपासना की। भगवान शिव की कृपा से चंद्र की रोशनी बढ़ गई। भगवान शिव को सोमदेव भी कहा जाता है, अतः सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। तू बोलली होती बर का। आता मी तुला 5000 रुपये देणार आहे। पहिले शाळेत घातलं की 6000 रुपये, आणि हो जेव्हा 6वीत जाईल ना तेव्हा 7000 रुपये, आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8000 रुपये मी तिला देणार आहे। एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75000 रुपये द्यायला मी तयार आहे। एवढे पैसे आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडी मध्ये जाऊन लेख लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची। एवढंच करायचंय। धन्यवाद बर का माझ्या लेकीनं। या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेख लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया। लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकार।